पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम, कोई वीडियो नहीं बनाना है, कोई ऐसा कुछ वो नहीं करना है, नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने वाला काम ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। बट अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आपको नॉलेज चाहिए, आपको जानना है, चाहे आपके पास लैपटॉप है नहीं है, आपके पास सिर्फ फ़ोन होना चाहिए, और या फिर आपको कुछ समझ नहीं है, आप नए हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तब भी कोई टेंशन नहीं। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में, तब आप मुझे ये नंबर पर मैसेज करो और अपनी लाइफ को सुधारो। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आज का वीडियो है बाय हसी टीवी अगेन, दूसरा वीडियो हसी टीवी का। ये आइलैंड ऑफ दज्जाल फाइनली फाउंड ऑन एस्टोला आइलैंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में दज्जाल का आइलैंड फाउंड हुआ है? अरे भाई साहब, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये नई वीडियो है उनकी, कल आई थी, परसों आई थी, कल तो स्टेडियम वाली आई। बट देखते हैं भाई, लेट्स स्टार्ट देखते दिस वीडियो। पाकिस्तान में आइलैंड, भाई मुझे तो पता ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी हसी टीवी। टीवी। दजाल को कुर्बे क्यामत का सबसे बदतरीन फितना कहा जाता है। इसका जाहिर होना क्यामत की सबसे अहम तरीन और बड़ी निशानियों में से एक है। अहदीसे मुबारक से यह साबित है कि दज्जाल कोई सिस्टम नहीं बल्कि एक असली शख्सियत होगा और पूरा सिस्टम जो कि इस वक्त यहूदी कौम के कंट्रोल में है इसे सपोर्ट करेगा। इसी टेक्नोलॉजी से वो ऐसे मौजूद लोगों को दिखाएगा कि कमजोर अकीदा के लोग इसे खुदा मानकर इसके पीछे चल पड़ेंगे, इसे खुदा मान लेंगे, क्योंकि इसके एक हाथ के अंदर जन्नत और इसके दूसरे हाथ के अंदर अपने खुद की तैयार की हुई जहन्नुम होगी। लेकिन इसकी फितरत के मुताबिक ये सब कुछ झूठ और नजर का धोखा होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ये वक्त पाओ तो बिना खौफो खतर इसके जहन्नुम के अंदर कूद जाना, क्योंकि यही असल जन्नत होगी और इसकी जन्नत असल में जहन्नुम। दज्जाल के फितना से मुतालिक हर एक पैगम्बर अपनी अपनी कौमों को इसके मुतालिक डराते रहे कि क्यामत से पहले ऐसा बदतरीन फितना रूए जमीन पर और कोई नहीं आया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अल्लाह के आखिरी नबी हैं, लिहाजा आप पर यह लाजिम था कि उम्मत को इसकी निशानियां खोल खोल कर बयान फरमाते, ताकि आपकी उम्मत के लोग इस वक्त के अंदर इन्हीं निशानियों से इस दज्जाल को पहचान कर इसका मुकाबला करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ऐसा ही किया। मगर दोस्तों, मामला इतना सादा भी नहीं है, क्योंकि अगर इन निशानियों से दज्जाल को पहचानना इतना ही आसान था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बार बार इस फितना से डराते और खबरदार भला क्यों करते? दज्जाल की हर एक निशानी, मसलन इसकी बाएं आंख का काना होना, बाल गुंगराले, गंदमी रंगत, माथे पर काफिर लिखा होना और यहूदी नस्ल से होना, इस तरह की कई और तफसीलात हम पहले की वीडियोस के अंदर जान चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दज्जाल इस वक्त भी दुनिया के अंदर मौजूद है? अगर हाँ तो कहाँ? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कैद की जगह तक की निशानदेही कर दी थी कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है और किस वक्त दुनिया में जाहिर होगा। अगर आज इन्हीं निशानियों को सामने रखकर हम इस जजीरे की लोकेशन निकालने की कोशिश करें तो जो हकायक हमारे सामने आते हैं आपको शॉक कर देंगे। मगर ये सब समझने से पहले कि दज्जाल इस वक्त इस टाइम के अंदर कहां पर मौजूद है, हमें एक सहाबी जिनका नाम था हजरत तमीम दारी, इनके समंदरी सफर और दज्जाल से इनकी मुलाकात का वाकया जानना इंतहाई जरूरी है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कन्फर्म किया कि हाँ, जिस शख्स से तुम मिले थे वो दरअसल दज्जाल ही था। ये सही मुस्लिम की एक तवील हदीस है जिसका मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत तमीम दारी, जो कि पहले क्रिश्चियन थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए तो अपने एक समंदरी सफर का अहवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। हजरत फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद तमाम सहाबा को मस्जिद में बैठे रहने का हुक्म दिया। मैं तमाम औरतों की पहली सफ के अंदर मौजूद थी और फिर फरमाया कि आज मैंने तुम्हें कोई अल्लाह का पैगाम या नसीहत सुनाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि वो कुछ बयान करने के लिए बुलाया है जो कि तमीम दारी ने इस्लाम कबूल करने के बाद आज मुझसे बयान किया। वो कहते हैं कि मैं अपने जवानी के दिनों के अंदर अपने 30 लोगों के साथ अरब के मशरक के अंदर समंदरी सफर पर था कि अचानक से मौसम खराब हो गया। ऊंची ऊंची समंदरी लहरें उठने लगी, मौसम इतना खराब हो गया कि पूरे एक महीने तक हमारा जहाज समंदर के अंदर इचकोले खाता रहा और हमें कुछ नहीं पता था कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं या कहाँ पर मौजूद हैं। हमने अपने इस बड़े जहाज से छोटी छोटी कश्तियां उतारी और अलग अलग जगह पर खाने और लोगों की तलाश के अंदर निकल गए। मैं अपनी कश्ती पर बैठकर कुछ लोगों के साथ एक जजीरे पर पहुंचा जहां पर एक अजीबो गरीब किस्म के जानवर को हमने अपने सामने खड़े देखा, जिसका जिस्म बालों से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। ये चीज इंसानों की तरह बातें कर सकती थी। हम लोग इसे देखकर डर गए कि आखिर ये क्या चीज है। मैंने पूछा कि तुम क्या भला हो? इसने जवाब दिया कि मेरा नाम है जसासा। हम लोगों ने पूछा कि तुम क्या चीज हो?
इसने जवाब दिया कि ये सब बातें छोड़ो, बल्कि मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवाता हूँ। वो सामने जो मंदिर है वहाँ पर वो शख्स बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अब इस वाक्या के अंदर इस मंदिर यानी बुतखाना के लफ्ज़ को आपने ज़हन में रखना है। तमीमदारी कहते हैं कि हम इसके पीछे चले और इस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी जिसामत के शख्स को हमने जंजीरों के अंदर बंधा हुआ देखा। इससे बड़ी जिसामत का शख्स हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसके हाथ इसकी गर्दन से बंधे हुए थे और इस शख्स ने आते ही हमसे कुछ सवाल किए। पहला सवाल ये था कि मुझे बेसान की खजूरों के बारे में बताओ कि क्या वहाँ पर दरख्तों पर अभी भी फल आते हैं। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल आते हैं। वो कहने लगा कि वहाँ पर बहुत जल्द कोई फल नहीं होगा। फिर कहने लगा कि मुझे तबरिया के झील के बारे में बताओ, क्या इसमें अभी भी पानी बाकी है। हमने कहा कि हाँ बहुत ज़्यादा पानी है। इसने कहा कि बहुत जल्द ये भी खुश्क होने वाला है। तीसरा सवाल इसने ये किया कि मुझे जुगर के चश्मे के बारे में बताओ, और इसके बाद गोलन की पहाड़ियों के बारे में पूछने लगा, और आखिर में कहने लगा कि मुझे इस उम्मी पैगम्बर के बारे में बताओ कि इसने अब तक क्या किया। हमने जवाब दिया कि वो मक्का से निकल कर मदीना के अंदर आबाद हो चुके हैं। वो ये सुनकर काफ़ी हैरान हुआ कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद इस शख्स ने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं ही दज्जाल हूँ, और बहुत जल्द ये तमाम निशानियाँ पूरी होते ही मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी और मैं पूरी दुनिया के अंदर जाऊँगा सिवाय मक्का और मदीना के। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों ये यसरिब है यानी मदीना। देखो मैं तुम्हें नहीं कहा करता था कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, बल्कि अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके आपने तीन मरतबा फरमाया कि दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। इस हदीसे मुबारका के अंदर हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन की तरफ इशारा किया गया है कि वो मदीना के मशरिक के अंदर किसी वीरान जजीरे के अंदर कैद है। सो चलें मदीना के मशरिक के अंदर तमाम अहम तरीन जजीरों की खोज करते हैं और इसके लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। मदीना के साथ मशहूर अरेबियन सी मौजूद है जहाँ से हजरत तमीमदारी का यह जहाज रवाना हुआ था। इस समंदर में चार अहम तरीन जजीरे आते हैं, इंडिया में लक्षद्वीप आइलैंड, मसीरा आइलैंड जो कि अमान में है, स्कोटरा आइलैंड जो कि यमन में है, और आखिरी है पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड। हदीसे मुबारका में यह वाजे है कि दज्जाल ना शाम में है और ना ही यमन में, लिहाजा इन चार में से अब दो जजीरे बाकी रह गए, इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड और पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड। तो अब यह डिसाइड कैसे होगा कि इन दोनों आइलैंड में से दरअसल वो आइलैंड था कौन सा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से मशरिक के जिस तरफ इशारा किया था, अगर हम इसे एक सीधी लाइन खींचें तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड ही बनता है, क्योंकि इंडियन आइलैंड इस लाइन से काफ़ी दूर हो जाता है जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। जैसा कि ऊपर हदीस के अंदर हमने जाना कि इस आइलैंड पर एक मंदिर भी मौजूद था जो कि रसूलुल्लाह के ज़माने यानी 1400 साल से भी पहले का इस आइलैंड पर मौजूद था। लिहाजा अपने शक को यकीन में बदलने के लिए हमें इस आइलैंड पर एक ऐसे ही मंदिर को तलाश करना होगा, लेकिन इंडिया के इस आइलैंड पर ऐसा कोई मंदिर मौजूद नहीं। पर हाँ, पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड पर यह आज भी मौजूद है। जी हाँ, ये मशहूर काली माता का मंदिर है जिसे तबाही फैलाने वाली खतरनाक और खौफनाक किस्म की देवी हिंदुओं के अकीदे के अंदर माना जाता है। इसके भी जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल मौजूद हैं, बिल्कुल वही हुलिया जैसा कि जसासा का था। और ये मंदिर भी यहाँ पर कुछ 100 साल पहले नहीं बनाया गया बल्कि आज से 2000 साल पहले का ये यहाँ पर मौजूद है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी 600 साल पहले का। तो क्या ये सब कुछ महज इत्तफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कन्फर्म है कि ये वही जगह थी जहाँ पर हजरत तमीमदारी की दज्जाल और इसके साथी जसासा से मुलाकात हुई थी। और दज्जाल के पूछे गए सवालों के मुताबिक जो भी निशानियाँ इसने बयान की यानी बेसान की खजूरों, तिबरिया के जेल और गोलान की पहाड़ियों से मुतलिक, वो सब की सब निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। और शायद अब तक ये दज्जाल वहाँ से आज़ाद भी हो चुका है मगर अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया। ये सब निशानियाँ आखिर कैसे पूरी हो चुकी हैं, आइए ज़रा जानते हैं। सबसे पहले बेसान की खजूरों की निशानी पर गौर करें, क्योंकि बेसान का इलाका पहले फलस्तीन के अंदर शामिल था और हजरत उमर के दौर के अंदर इसे शर्जील बिन हसना और आमिर बिन आस ने फतह किया था, जबकि 1948 तक यह इलाका उर्दन का हिस्सा था जिस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। बेसान अपनी खजूरों के बागात के लिए इंतहाई मशहूर था और इस वक्त भी बेसान का कुछ इलाका उर्दन के पास है, मगर इस तमाम इलाके के अंदर मौजूद खजूरों के बाग बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं जैसा कि दज्जाल ने बयान किया था। इसका दूसरा सवाल था बहरे तबरिया यानी लेक ऑफ गलीली के मुतल्लिक कि क्या इसका पानी अब तक खुश्क हो चुका है। यह झील इस वक्त इसराइल के अंदर मौजूद है जिस पर यहूदियों का कब्जा है। इस झील के पास यहूदियों के चार बड़े शहरों में से एक शहर मौजूद है, और जब रूमी बादशाह टाइटस ने बैतुल मुकद्दस पर हमला किया और इसे तबाह किया, तब तमाम यहूदी रबी बहरे तबरिया के पास आकर जमा हो गए, यहाँ पर आबाद हो गए और अपनी मजहबी किताब तलमूद को तरतीब दिया। इस झील की लंबाई शुमाल से जनूब तक 23 किलोमीटर है।
यह यहूदियों के लिए मीठे पानी का सबसे बड़ा सोर्स है, जो कि उर्दन की गोलान पहाड़ियों के सबसे बड़े पहाड़ जबलुल शेख से आता है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि यह झील अपने 100 साल की कम तरीन पानी की सतह पर पहुंच गई है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खुश्क होने के करीब है, जैसा कि दज्जाल ने बयान किया था। The lake where Christians believe Jesus walked on water has declined to its lowest level in 100 years, an Israeli official said on Tuesday. The lake has fallen to its lowest level for a century. तीसरा सवाल इसने इसराइल के मशरिक के अंदर मौजूद जुगर के चश्मे के बारे में पूछा, जिस पर इस वक्त भी यहूदियों का कब्जा हो चुका है। इसके बाद दजाल का अगला सवाल था गोलान की पहाड़ियों के बारे में, जिन्हें 1967 की जंग के अंदर इसराइल ने शाम से छीन लिया था। और इस पहाड़ी इलाके की सबसे ऊंची चोटी है जबलुल शेख, जहां पर एक तरफ से बैतुल मुकद्दस और दूसरी तरफ इसके नीचे से दमिश्क नजर आता है। इसकी ऊंचाई 9,232 फुट है, जिस पर लिबनान, शाम और इसराइल का कब्जा है, क्योंकि ये 1,800 स्क्वेयर किलोमीटर का लंबा तरीन इलाका है, जिसके साथ तिब्रिया की झील और जुगर का चश्मा भी मौजूद है। इसके साथ साथ बेसान का इलाका भी इसी के बिल्कुल पास मौजूद है। लिहाजा अगर हम दजाल की तरफ से पूछे जाने वाले सवालों पर गौर करें, तो इन सब का ताल्लुक गोलान की पहाड़ियों से ही बनता है, जो कि बिल्कुल इत्तफाक नहीं है, क्योंकि मार्च 2017 के अंदर अमेरिका ने ऑफिशियली तौर पर गोलान हाइट्स इसराइल के हवाले करने का मुआहदा करके इस सूरत हाल को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि दजाल ने ये सब सवाल आखिर क्यों किए, इन सवालों का मकसद इसकी आमद से क्यों है। अब जरा इस टाइम लाइन को आपस में जोड़ते जाएं। हम सभी लोग जानते हैं कि जंगों के अंदर ऊंचे इलाके या फिर पहाड़ी इलाके की क्या अहमियत होती है, खास तौर पर जब इन पहाड़ों के नीचे जंग का मैदान मौजूद हो। दज्जाल का ज़हूर तीसरी आलमी जंग के बाद होगा, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आर्मेगेडन यानी जंगे हरमजदून के अंदर मुसलमानों की क्यादत करेंगे, और इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, जिसे कत्ल करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। बाइबल के मुताबिक इस जंग का मैदान इसराइल के मगरिब के अंदर इसी गोलान हाइट की पहाड़ियों के मैदान को बताया गया है, और हक़ो बातिल के इस जंग का जिक्र अहदीस मुबारका के अंदर भी मौजूद है। इसराइल ने गोलन हाइट्स पर कब्जा करके इस जंग की तैयारी शुरू कर दी है, और सिर्फ अपने मसीहा दज्जाल के इंतजार में है कि वो कब दुनिया के सामने जाहिर होकर अपनी खुदाई का ऐलान करे और यहूदी कौम की बादशाहत को संभाल कर मुसलमानों के खिलाफ जंग करे। और अब आपको समझ जाना चाहिए कि क्यों इस वक्त आलम कुफर पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ एक यूनाइटेड नेशन का ब्लॉक बनाकर इस जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका है, मगर हम लोग अभी तक इसी गफलत के अंदर हैं। इन हालात और निशानियों से अब अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि इस आखिरी ज़माने के अंदर आखिर कितना वक्त बाकी है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक आधी सदी यानी 40 या 50 साल ही क़यामत आने के अंदर इस वक्त बाकी हैं। मौजूदा हालात और वाक़यात को देखकर ये मेरा अंदाज़ा है, जो कि सही भी हो सकता है या फिर गलत भी, क्योंकि क़यामत का असल इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हमने इस वक्त की तैयारी कर ली है, और अगर ये सब निशानियाँ देख कर अब भी हमारी आँखें नहीं खुलती तो आखिर कब खुलेंगी। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आईलैंड ऑफ दज्जाल फाइनली फाउंड इन अस्तोला आईलैंड इन पाकिस्तान, एंड जिस तरह से उन्होंने निशानियाँ बताई हैं, जिस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं रिगार्डिंग मंदिर, मंदिर में वो जो एक बालों वाला बंदा बोला उन्होंने, फिर उसके बाद वो काली माता का मंदिर है वो, फिर उसके बाद जैसे उन्होंने दज्जाल के जो जो उसने बोला था जो 3 चीज़ें उसके बारे में बताया उन्होंने, एंड वो भी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं धीरे धीरे। एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजबल वीडियो था ये पहले बिल्कुल पता नहीं था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा पता चला है। आई होप आपको भी ये पहली बार पता चला होगा। अगर आपने पहले देखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। उनके चैनल पर ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर चेक करिए उनका चैनल। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।